जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों से एनकाउंटर में देश ने सेना के 3 अफसर समेत 4 जाबाजों को खो दिया है। पूरे देश में गम और गुस्सा देखा जा रहा है। भारतीय सेना भी आतंकियों के खात्मे के लिए घाटी में मोर्चा संभाले हुए है। अनंतनाग के गडूल कोकरनाग में चौथे दिन भी आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। सेना, पुलिस और CRPF व अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवान पूरी सतर्कता के साथ मैदान में डटे हुए हैं। घने जंगल और पहाड़ के बीच आतंकियों के संदिग्ध ठिकाने पर ड्रोन से ग्रेनेड दागे गए। बीच बीच में गोलीबारी भी हो रही है। अनंतनाग के कोकरनाग का जंगल बेहद घना है। जंगल के चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जो घने पेड़ों की चादर से ढके हुए हैं। ये इलाका इतना दुर्गम है कि किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देना बेहद मुश्किल है। इसी जगह पर 2 से 3 आतंकी घने जंगल में छिपे हैं। इनमें एक लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर उजैर खान भी है। इन्हीं आतंकियों के हमले में बुधवार को सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट शहीद हुए थे। शुक्रवार सुबह से सेना के 10 विशेष दस्ते कोकरनाग जंगलों में उतरे और आतंकियों की तलाश तेज कर दी। क्वाडकॉप्टर और ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। सेना के कमांडोज, स्निफर डॉग्स, ड्रोन, हेलीकॉप्टर आतंकियों को खोज रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सैन्य अफसरों का कहना है कि आतंकियों को 4 किलोमीटर के दायरे में घेर लिया गया है। इन्हें कभी भी ढेर कर दिया जाएगा। ड्रोन से बमबारी की जा रही है। वहीं कोकरनाग के जंगलों में सुबह सुबह 3 तेज धमाकों की आवाज सुनी गई। हेरोन ड्रोन से लेकर पैरा कमांडो तक ऑपरेशन में शामिल है। पहाड़ में छिपे आतंकियों को मारने के लिए सुरक्षा बल अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरक्षा बलों की कोशिश यही है कि आतंकी बचने ना पाएं। बता दें कि कोकरनाग के जंगलों में आतंकियों के मूवमेंट के इनपुट के बाद सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की संयुक्त पार्टी ने तलाशी अभियान शुरू किया था। घेराबंदी के दौरान ही जंगल क्षेत्र में छुपे आतंकवादियों ने संयुक्त दल पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मुठभेड़ के दौरान सेना के 19 RR के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट शहीद हो गए थे। वहीं बुधवार को लापता हुए एक जवान के शव को भी बरामद कर लिया गया है।